मैं बताऊ किनकिन की शादी हो चुकी है। हम मैं तो जाकी है गई, बाकी है गई, जाकी शादी भांजी चल रही, बाकी गोद भरी जाएगी, पलंग बैठी है, ताई से तो मोचे कारी कराए ही है, और भैया हमारी अल्ट हो गई, तुम्हारी सही अल्ट हो गई। हाँ हाँ ते जब बता इसे देखने में तुम अच्छी लगती हो। हाँ सो तो देखी लगती है। हाँ फिर तुम्हारी अल्ट काय हो गई। हमारी हमारी यार सो अल्ट है गई कि लड़का आओ देखे में प्राइवेट है प्राइवेट। हाँ हाँ वो देखने में सिस्टम चलो है। हाँ सुखा हो गई हम वो बज के गई पुरावली का वो तो पॉइंट आट कराया है बाद में कहेगा कि शादी से हम कर लेते बिटिया ओवर एज है गई ताको हमें दुख ना है। दुख तो हमें जवा तक हुआ वो चलते चलते मजिया तक कहेगा कि हम बिटिया ने शादी कर तो लेते लेकिन बिटिया की मोछे जमे आई तब तो हमने कहीं जिगराई नहीं नहीं दोबारा फिर देखे जाएंगे ना। तो ताश हो तुम रह गई है ताश। अच्छा और लेकिन जब तुमने किन किन ने बताया थी तुम्हें जिटाई होती है वो तुमने फेसियर करके कहा कहा था हम जानते ही नहीं हम तो यही अंदर बिटाई कराए हैं। अच्छा हाँ जो तो भैया सब ही चल कर रहे कल की को दिखाई हो बंदर कैसे वो बन गया द्वार। अरे बंदर के सूट कितनी सवा लगन लगती है। सुनो सुनो तो हमारी जब शादी हुई ना तो शादी से पहले तो फिर तुम पता ही है का बात बताओ का तो का हो तो ना लाल लाल मोह जाते हो का बोलते भाई। हां मां ब्यूटी पार्लर यूं है ब्यूटी पार्लर कौन सा पार्लर हमारा यहां पर सुखा वे तो बताए रहे ना वो लाल लाल है तो अच्छा लाल लाल है तो चलो कोई बात ना है छोड़ो कथा में देर हो रही ना बात बहुत बढ़ गई है। तो भैया ये कंस जो था लड़कियों पे बच्चों पे बुजुर्गों पे अत्याचार करने लगा राजा बन गया जरा सिंध की दो लड़कियां